फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ सैलेड, जिसके इंग्रेडिएंट्स मैं अपने किचन गार्डन से ही लूँगी। तो अभी हम कुछ चीज़ें हार्वेस्ट करने वाले हैं, जो मैं आपको भी दिखाऊँगी। ये छोटा सा खीरा आपको दिख रहा होगा, अभी मैं इसको हार्वेस्ट करने वाली हूँ। ये है, ये बहुत हेल्दी नहीं लग रहा, एकदम छोटू सा, एकदम कुकू से पैक था। एंड दूसरा खीरा मैं अभी हार्वेस्ट करने वाली हूँ। उसके बाद यहाँ से मेरी जो मूली रेडी हो गई थी, वो मूली एक मैं हार्वेस्ट करने वाली हूँ। उसके बाद मैं बनाऊँगी ग्रीन ग्रीन हेल्दी सैलेड। आइए मैं आपको भी मूली दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको बहुत कुछ मूली दिख रही होगी, बहुत सारी तो नहीं है। ये एक यहाँ पे मूली है, इसकी सारी पत्ती मैंने हार्वेस्ट कर ली थी और इसका पराठा बनाया था। और यहाँ पे आपको एक और मूली दिख रही है, एक और मूली, और इधर बाकी मूली बन रही है, बाकी और मूली छोटी छोटी। तो अब एक और मूली हम लोग हार्वेस्ट करेंगे, ये वाली। दिखते हैं छोटा है या बड़ा है। बहुत बड़ा तो नहीं है ये, शायद ये और लंबा होता और बनता। एक और मूली लेती हूँ यहाँ से, ये वाली, ये बगल वाले को भी स्पेस मिल जाए। ये शायद बहुत छोटी वाली मूली। हमारे पास बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स तो है नहीं, सिर्फ चार चीज़ें हैं। तो मैं इसी का भी सैलेड बनाने वाली हूँ फटाफट से। इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसको वॉश करेंगे बहुत अच्छे से। मैंने इसको वॉश कर लिया, अब इसको वॉश करते हैं। ऑलमोस्ट ये वॉश है। तो चार चीज़ों से भी मैं अभी सैलेड बनाने वाली हूँ। ये है हमारी चार चीज़ें। मैंने ऑलमोस्ट इसको छील लिया है। अब अगर मार्केट से आता तो मुझे लगता है यार ये कैसा है, बाकी मेरे घर का भले ही होगा, लेकिन मुझे बहुत 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 अच्छा लगा है। जैसे हो सकता है और अभी से इसमें ज़्यादा ग्रोथ हो ही रहा है। ये प्लांट तो मतलब की कंडीशन में था, बट फिर भी इसमें दो टूट दिया और भी छोटे छोटे से टूट लगे हुए हैं। बट ये शायद तो बहुत बड़ा नहीं होने वाला, इसलिए मैंने इसको तोड़ लिया है और मैं इसका सैलेड बनाने वाली हूँ। और आज हम लोग दोपहर में इस सैलेड को ही खाएंगे। और ये मेरे पास थोड़ा सा धनिया पत्ती है, तो ये भी मैं अपने सैलेड में डाल लूँगी। तो ये है फ्रेंड्स मेरा थोड़ा सा बट क्यूट सा सैलेड। ये बेहतर है कि अगर आप ज़्यादा खाएं, इससे बेहतर है आप कम खाएं और बहुत अच्छा खाएं। बाकी मैं अपना अपने गार्डन का छोटा सा आपको एक ओवरव्यू दिखाना चाहूँगी, जो मैंने पुरानी वीडियो डाली थी। उसमें सारे प्लांट बहुत छोटे छोटे थे, बट अभी सारे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो चुके हैं। जैसे ये टमाटर काफ़ी हेल्दी हो चुका है, और ये सारा कॉर्नर जो शिमला मिर्च का है, जो मैंने पुरानी वीडियो में भी दिखाया था, ये भी बहुत हेल्दी हो चुका है। और एंड पहले के कंपैरिजन में कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। बैगन यहाँ पे तीन चार पौधे लगाए थे और मैंने बाकी पौधे नीचे ट्रांसफर कर दिए। एक ही पौधा है इसमें जो बहुत बड़ा हो चुका है। एंड सेकंड वन ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। और ये मेरे येलो रोज़ का प्लांट है, इसमें भी दो तीन बर्ड्स बनने लगी हैं। ये एंड ये ब्रॉकली है, अगेन शिमला मिर्च ब्रॉकली, और ये ढेर सारी शिमला मिर्च। और इस पर बहुत छोटे छोटे से फ्लावर भी हैं, आपको दिख रहा होगा बहुत छोटे छोटे से। इसमें बहुत छोटी सी प्यारी सी बर्ड्स आई हैं। ये अगेन ब्रोकली का प्लांट और ये ड्रैगन फ्रूट। ये है छोटी सी मेरी बगिया, इसमें छोटे छोटे अभी खीरे हुए हैं, जो और एक छोटा सा है, और भी बहुत छोटे से हैं, ये भी छोटा सा है, और भी बहुत सारे फूल लगे हैं। ये सारे फूल हैं, और यहाँ एक खीरा ये है, और यहाँ एक खीरा ये है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और नेक्स्ट टाइम थोड़ी बड़ी आ रही है।
का पाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।